देखिए हमने पांच लाइन बना लिया है, चार पांच, पांच लाइन में नौ आया है व्हाइट बीच में, हाफ व्हाइट। और यहाँ हमने चार बनाया है, चार आया है ग्रीन कलर, चार इधर भी ग्रीन कलर आया है। यहाँ पर हमने हाँ एक हाफ व्हाइट आया है पांचवे लाइन में। तो यहाँ पर हम तीन ग्रीन करेंगे, दो छोड़ देंगे, चेहरा बनाना है हमने। तो यहाँ पर तीन हमने ग्रीन किया है, पांच व्हाइट करेंगे, पांच हमने व्हाइट बनाया है। यहां पर आंखें बनाने के लिए हमने एक ग्रीन किया है, एक पांच हाफ व्हाइट बनाने के बाद एक ग्रीन कर लेंगे। सॉरी, चोंच बनाने के लिए मोर का मुंह का हिस्सा बनाने के लिए हमने यहां पर एक ग्रीन किया है। इस तरीके से देखिए पांचवे लाइन में नीचे चार था तो हमने एक बढ़ा के यहाँ तीन ग्रीन किया है, दो के ऊपर व्हाइट किए हैं, पांच व्हाइट फिर एक ग्रीन, और यहाँ चार, यहाँ चार, चार चार ग्रीन आए हैं, बीच में हाफ व्हाइट का नौ आया है। और एक यहाँ पर एक व्हाइट आया है, एक तीन पांच सात फिर नौ, दो दो बढ़ा है दोनों तरफ से, एक एक बढ़ा है तो नौ आएगा, पांचवे लाइन में हमारा नौ आएगा। और यहाँ पर एक आएगा हाफ पॉइंट, यहाँ पर हमने नौ लिया है। और एक यहाँ पर हाथ आंख चेहरे के लिए, मुंह के लिए हमने एक ग्रीन बनाया है, पांच व्हाइट किया है। ये देखिए इसके ऊपर की लाइनों में हमारा यहाँ पर नौ आया है। तो यहां से हम अब इसको कम करना चालू करेंगे। तो ऊपर के लाइन में हमने ग्रीन, नीचे चार है तो पांच बनानी है। यहां से हम सीधे लाइन लेके जाएंगे, यहां पर फिर हमें हाफ व्हाइट सात बनानी है। जैसे हम नीचे की लाइन बनाए हैं वैसे ऊपर हाफ व्हाइट सात बनानी है, एक एक दोनों तरफ से ग्रीन कलर हमें बढ़ाना है। इस तरफ भी हम इसी तरह कर लेंगे, पांच ग्रीन बना लेंगे। यहाँ का भी सीधी लाइन जाएगी और यहाँ भी सीधा लाइन जाएगा ग्रीन कलर का। यहाँ पे बढ़ाना और घटाना नहीं है, बीच में ही हमने बढ़ाने घटाने हैं। पांच ग्रीन, यहां दो हाफ व्हाइट आएगा, दो हाफ व्हाइट, ये देखिए एक बनाया, इसके ऊपर दो हाफ व्हाइट आएगा। यहां सीधी लाइन ग्रीन की जाएगी, व्हाइट के ऊपर व्हाइट आएगा और एक यहां से बढ़ेगा। दो लाइन हमने हाफ व्हाइट बनाया है, यहां पर हम ग्रीन कलर ही बनाएंगे, सात ग्रीन बना ली हमने। ये देखिए इस तरह से सात हमने ग्रीन बनाया है, ये मुंह आ जाएगा, इसके ऊपर हमने सात ग्रीन बनाया है।
देखिए दूसरे लाइन में भी हमने एक बढ़ाया है दोनों तरफ से, जैसे यहां पर 5 आया उसी तरह इधर भी 5 आएगा और यहाँ बराबर ग्रीन कलर आएगा, यहाँ 6 ग्रीन कलर का बनाया हमने, चेहरा मैं आपको बता रही हूँ, दूसरा लाइन है ये। तीन हाफ वाइट बना लेंगे, दो ग्रीन, एक हाफ व्हाइट, आंखों के लिए हमने बनाया है ये, फिर दो ग्रीन, इस तरह से हम बीच में एक हाफ व्हाइट, दो दो, चेहरा हमने इस तरह से बनाया है। पंख हमारा इसी तरह से जाएगा, पंख ऐसे ही जाएगा, ऊपर के लाइन में मैं चेहरा बता रही हूं। पूरा लाइन व्हाइट कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से हमारा ये तीन आया है, हाफ व्हाइट, और चेहरे के इधर हमने 4 हाफ व्हाइट किया है, जैसे 3 आया है तो अभी 4 आएगा, नीचे 3 आया है ऊपर 4 आएगा, चार हाफ व्हाइट, तीन ग्रीन बनानी है, ये देखिए एक ग्रीन का लेंगे हिस्सा, एक हाफ व्हाइट का और एक ग्रीन का, इस तरह से चेहरा बन गया, तीन ग्रीन का आया है, इस तरह से हम चेहरा बना लेंगे। ये देखिए ऊपर की लाइन में हमने बीचों बीच एक ग्रीन करनी है इधर, और यहाँ पर 4 लेना है, 4 व्हाइट लेनी है, नीचे हमने 4 लिया ऊपर 5 व्हाइट आएगा, दो तीन 4 5, जो तीन हमने ग्रीन बनाया है एक ग्रीन में व्हाइट आएगा, और बीचों बीच बीच के हिस्से में एक ग्रीन आएगा, फिर व्हाइट आएगा, ये देखिए इस तरह से हम चेहरा बना लेंगे, इस तरह से हम बना लेंगे। अभी ऊपर के लाइन में यहां से यहां तक पूरी ग्रीन लाइन जाएगी, ऊपर के लाइन में यहां से यहां तक ग्रीन लाइन जाएगी पूरी, ये व्हाइट नहीं है, पूरा ग्रीन लाइन हम लेके जाएंगे यहाँ, और इस ताज के ऊपर, चेहरे के ऊपर हमें ताज बनानी है, फिर इसके ऊपर हमें तीन ग्रीन यहाँ लेके जानी है। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ से यहाँ तक ग्रीन लाइन बनाया है, पूरा एक लाइन पंख के ऊपर सीधा ही लिया है ग्रीन कलर में, पूरा यहाँ से यहाँ तक हमने ग्रीन कलर बनाया है।
जहां हमने एक चेहरे पर एक लिया है, आज दोनों तरफ से एक एक हाफ व्हाइट और एक ग्रीन, तीन ग्रीन इधर बनानी है हमने ताज के लिए। ये देखिए तीन ग्रीन कलर बनाया है। इस तरह से अभी दूसरे लाइन में हमने यहां से एक कम करना है और यहां से एक ग्रीन कम करना है, दोनों तरफ से एक एक कम करके ग्रीन एक लाइन और देनी है ग्रीन की, एक एक दोनों तरफ से कम करना है। और ताज के ऊपर जैसे तीन बनाया है, इसके ऊपर पांच बनाएंगे। इस तरह से ये मोर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए लाइन हमने कंप्लीट किया, एक एक इधर से हमने कम कर दिया, एक एक इधर से और एक इधर से ग्रीन एक लाइन बनाया है, दोनों तरफ से एक एक कम करके दूसरे लाइन में ऊपर की लाइनों में। और यहाँ ताज के लिए जो हमने तीन ग्रीन बनाया था, उसके ऊपर हमने पांच ग्रीन बनाया है। इस तरह से मोर का डिजाइन बनेगा, बैग का, पर्स का। अब इसके ऊपर हमने एक लाइन हाफ व्हाइट का लेके जानी है, पूरी लाइन हम एक हाफ व्हाइट का लेके जाएंगे। उसके बाद जो है बॉर्डर, हम जिस तरह हमने नीचे बॉर्डर बताया उसी तरह ऊपर भी बॉर्डर ये बना दीजिए वायलेट कलर में। हैंडल के लिए हमने 15 इंच का हैंडल बनाया है इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से स्प्रिंग स्टिच से कहते हैं। नौ चैन ले लेंगे हम। नौ चैन हमने लिया है, देखिए इस तरीके से। एक छोड़ के दूसरे चैन में हम सिंगल क्रोसी कर लेंगे। पहला ही हमने एक चैन छोड़ा है और सब में नहीं छोड़ा है, और सब चैनों में हम सिंगल क्रोसी कर लेंगे इस तरीके से। हमने इस तरह सिंगल क्रोसी कर लिया है, नौ चैन लिया है, जिसको हम इस तरह से पलटी कर लेंगे इस तरह से राउंड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने कैसे बनाना है, देखिए जहां से हमने चैन शुरुआत किया था वहां पर हम इस तरह से एक लेंगे और सिंगल चैन ही बनाएंगे। ये देखिए मैं कहाँ डाल रही हूँ, जिसका हिस्सा ये जो बंधा हुआ है आप देख सकते हैं, जो बंधा हुआ है उसका ये वाला हिस्सा सिंगल, यहां से हम सिंगल चैन बनाएंगे इस तरीके से। क्रोशिया हम अंदर की तरफ रखेंगे, देख सकते हैं आप। इस तरह हम बनाते जाएंगे। हर एक में सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें इस तरह से, हम बनाते जाएंगे। देख सकते हैं मैं कहाँ डाल रही हूँ।
सिंगल क्रोशे, फिर ये देखिए इस तरह से राउंड राउंड हम बनाते जाएंगे। अब देख सकते हैं मैं कहाँ डाल रही हूँ, देखिए इसी तरह हम राउंड राउंड बनाते जाएंगे। यहाँ पर सिंगल धागा लेना है, डबल नहीं है, देखिए सिंगल धागा है ये। इसी तरह हमें राउंड राउंड बनाते जाना है, ये देखिए इस तरीके से, इस तरह से दिखता है ये, और कड़क भी होता है तो हैंडल के लिए सही रहता है। इस तरह से बना के हम बैग में सिल लेंगे।